यहाँ हम लोग पढ़ते थे दीघापुर में, इंटर करते थे तो आदरणीय विचारकी राव साहब स्मारक समिति के मंत्री थे, हम लोग सबसे बस से आते थे। आज तो उनकी कृपा से भाई फोर व्हीलर से आना पड़ता है। मैं धन्यवाद दे ऐसे आदमी को, तमाम पैदा होते हैं जिनका नाम यूट्यूब तक चले, वो फूल और ही होते जो कांटों में खिलते हैं, और वो वीर और ही होते जो घोर कष्ट में हंसते। एक बार रमन पड़ रहा था तो राव साहब को जब फिरंगियों ने कहा कि तुम अपना बदल दो, और क्योंकि माता चंद्रिका ने मुंह मोड़ लिया था जब राव साहब को फांसी की सजा अंग्रेज दे रहे थे, तो बंधन टूट गया था, तो वो बड़े खुश हुए थे। लोग डरते हैं कि अरे फांसी हो रही है तो हमारा बंधन टूट गया है तो हम खुशी हो, मगर वो उनको बहुत खुशी हुई करे। तो ऐसे वीर थे, ऐसे वीर महापुरुष जो 1857 की गदर में जिन्होंने ये कभी नहीं देखा था कि कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस मजहब का है। अगर काकोरी की जेल में बंद थे अशफाकुल्ला साहब, तो गोरखपुर की जेल में बंद थे राजे लहरी जी, तो गोंडा की जेल में बंद थे राजगुरु जी, तो कानपुर की जेल में बंद थे भगत सिंह जी। तमाम ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने ये नहीं देखा कि हम किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। अब तो इस नाम पर सियासत हो रही है। अगर ये लोग हमारे पूर्वज ये छोटे होते तो ये देश आजाद जात और धर्म के चक्कर में कभी न होता। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर न कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और ये जरूर कहना चाहता हूँ, क्या समय रहा होगा, क्या वक्त रहा होगा जिस दिन बैतवारे में ये लाल का जन्म हुआ होगा, जब तुम आए जब तुम रो जब हंस था, और जब तुम जाओ हंसते जाओ जब रोता ही रह जाए। आज पूरा बैतवारा रो रहा, भले जहाँ जो देखो रो रहा, अगर राव साहब ये किए न होते तो बैतवारा के लोग कौन रोया था, यहाँ की महिलाएं रोई थी कौन रोया था, यहाँ का नौजवान रोया था कौन रोया था, यहाँ का किसान रोया था कौन रोया था, यहाँ का मजदूर रोया था। मैं आपके सामने ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, आपका सेवक हूँ, आपके घर का रहने वाला हूँ, इतना लायक है किसी जहाँ कहीं जरूरत हो मुझे बुला लेना, आपकी सेवा करूँगा। जय हिंद जय भारत।